हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत इस नए वीडियो में। इस वीडियो बात करने वाले हैं यूपीएसआई यानी यूपी दरोगा का जो है फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। आज से जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, इसका जो है हम एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो फ्रेंड्स, 9534 पदों पर जो है उत्तर प्रदेश दरोगा की बहाली निकाली गई है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑल स्टेट मतलब किसी भी राज्य से पाते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल वाले बटन दबा चलो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, और साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप वन ऑफ द बेस्ट बुक लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की तैयारी करने के लिए, तो चक्षु प्रकाशन का वन ऑफ द बेस्ट बुक से आपको यहां पे जो है व्याख्यात्मक तरीके से जो है आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के। देख सकते हैं यहाँ पे 13 वर्षों का जो है प्रीवियस ईयर्स का जो है सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे। उसके साथ ही साथ आपको जो है 2000 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पे व्याख्यात्मक हल सहित मिल जाएंगे। तो मैंने जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश एसआई के लिए तो आप जो है इसे खरीद सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपको प्रैक्टिस के लिए, और आप जो है बेहतरीन तैयारी अपना कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बुक है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई जो भर्ती है चक्षु प्रकाशन का ही, इसमें अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको जो 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो है 2 वर्षों का और भी यहाँ पे सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट के लिए भी आपको यहाँ पे चक्षु प्रकाशन का बुक यहाँ पे शामिल है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बुक है, ये तीनों बुक जो है कॉम्बो है एक प्रकार से, आप समझ लीजिए। अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो तीनों बुक आप एक साथ जो है ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन का मूल विधि एवं संविधान के बारे में आपका यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, और इसके बारे में गत वर्षों जो भी प्रश्न है उसका भी यहाँ पे हल दिया हुआ है, और आपका जो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तीनों बुक का जो है दिया हुआ है, आप जाके खरीद सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कैसे आपको फॉर्म को फिल करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको यूपीएसआई का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल ओपन करिएगा। गूगल में आपको जाकर सर्च करनी है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। जैसे आप यहां पे सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगा dshelpingforever.com। इस वेबसाइट पे आपको इसलिए आना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे जो आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, लॉगिन लिंक मिलेगा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहां पे लेके आ रहा हूं। आपको यहां पे लाइव अपडेट में एक ऑप्शन मिलेगा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई 9534 पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021, इस पे क्लिक करना है। यह आपको जो है यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में सरकारी जॉब वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा ये 2 नंबर का पोस्ट। मैंने जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आज से फॉर्म स्टार्ट है, 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल करनी है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फी देख सकते हैं बताया गया है 400 रुपये एप्लीकेशन फी आपको देना है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करनी है, और यहाँ पे जो आपको नीचे आनी है, देखिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर एसआई का जो है, उसके वजह से प्लाटून कमांडर का है, उसके वजह से फायर ऑफिसर का है, तो तीनों अलग अलग है, और तीनों के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मैंने दे रखा है। तो आप जो है बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से कितना भी परसेंटेज के साथ किसी भी स्टेट से आपने क्वालिफाई कर रखा है और किसी भी राज्य के आप हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है फिजिकली फिटनेस टेस्ट के बारे में जो है बताया गया, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना दौड़ना है, कितना हाइट चाहिए। अब आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेंगे अप्लाई ऑनलाइन का, आपको इस पर क्लिक करना है, लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको आपको रीड कर लेनी है। यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, तो आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। आपको नीचे आना है डायरेक्टली, और यहाँ पे आपको इसको एग्री करना है, और यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से जो आपका फॉर्म खुल के आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको पोस्ट अप्लाइंग फॉर किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन आएंगे ऑलरेडी, आपको आगे चल के जो है चूज करना होगा कि आप प्रिफरेंस सबसे पहले किसको देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको शीर्षक चूज करना है MR, MS, MRS, डॉक्टर। तो जो आपका टाइटल इसमें से चूज करेंगे, कोई लेडीज है तो यहाँ पे MS चूज कर सकती है, MRS चूज कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद से मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो तीनों आपको यहाँ पे लिखना है। अगर दो ही है तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी आएगा। देखिए यहाँ पे जो है MR केवल चूज किया तो यहाँ पे जेंडर केवल मेल दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे MS चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे जेंडर फीमेल आ गया। तो ये अपने अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना एक वैलिड ईमेल आईडी लिखना है, उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखने के बाद से सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आपको जो ओटीपी को वेरीफाई करना है, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ भरनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करनी है।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फॉर्म को फिल कर लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये मैंने यहाँ पे ओटीपी लिख के वेरीफाई किया, तो यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो गया। थोड़ा सा ओटीपी आने में देर लग रही है तो आपको वेट करना है, उसके बाद इस कैप्चा को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इस प्रकार से देखिए बोल रहा है रजिस्ट्रेशन कन्फर्म। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है, इसे नोट डाउन कर लेंगे, और पासवर्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको फ्रेंड्स आप जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या जो है नोट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक URL मिलेगा, इस URL पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, इस प्रकार से खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स अभ्यर्थी पंजीकृत, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, या नीचे में एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा था उस पर भी क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखेंगे जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपके यहाँ पे डैशबोर्ड खुलेगा, देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड खुल गया है। अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, आपको फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद से फ्रेंड्स आपको अगेन जो है यहाँ पे कंटिन्यू का एक बटन मिलेगा नीचे में, इस पर क्लिक करना है। जिस इस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे देखिए स्टेप्स दिखाई देगा कि आपको जो कितने स्टेप में फॉर्म को फिल करनी है। तो यहाँ पे पहला स्टेप्स है, दूसरा स्टेप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तीसरा में फोटो अपलोड, और चौथा में सिग्नेचर, और पांचों में आपको जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का, ग्रेजुएशन का, या जाति निवास आय सब अपलोड करना होगा। उसके बाद से प्रीव्यू करके लास्ट स्टेप में आपको पेमेंट करना। तो ये स्टेप्स आपको मैंने दिखा दिया, अब आपको हम स्टेप्स आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स ये फिल हुआ है, आपको नीचे आनी है। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप जो यूपी के निवासी अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको जो निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य पदाधिकारी कौन है, उसका नाम यहाँ लिखेंगे, अथॉरिटी का नाम, और कब जारी हुआ उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर, और यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप जनरल हैं, EWS से, OBC, उसके वजह से क्या है। अब यहाँ पे अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे तो ये जानकारी नहीं पूछेगी, आप जो है एज अ जनरल के ट्रीट किए जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो है यूपी के निवासी, उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। अब ये पूछ रहा है कि आर यू डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर, इस प्रकार की है तो यहाँ पे यस करेंगे था नो करेंगे। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यूपी के तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद से नीचे आना, यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस करें था नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, यहाँ पे कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना ईयर चूज करेंगे, यहाँ पे मंथ चूज करेंगे, और यहाँ पे डेट चूज करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपका एज खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फादर नेम, यहाँ मदर्स नेम, उसके बाद से परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल करनी है, अपना जो है दोनों एड्रेस सेम है तो इसको टिक करेंगे तो सेम से यहाँ लिख देगा, अन्यथा आप ये मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको जो है प्रीफ्रेंस देनी है, मैंने आपको आगे बोला था कि प्रीफ्रेंस आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आप किस में जो है प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे SI है, उसके बाद यहाँ पे प्लेटून कमांडर है, उसके बाद यहाँ पे फायर सर्विस है, तो आप यहाँ पे जो है तीनों को चूज करेंगे, आप अपने अनुसार फर्स्ट किसको रखना है, सेकेंड किसको रखना है, नन भी कर सकते हैं, आपको नहीं रखने का मन है तो आप यहाँ पे नन भी कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेफरेंस को चॉइस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे डिटेल्स फिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप आएगा क्वालिफिकेशन फिल करने का, यहाँ पे आपको जो सबसे पहले 10वीं क्लास का डिटेल्स पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम चूज करना है कि आप जो है 10वीं क्लास किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, तो आपको यहाँ पे चूज करना है। देखिए यहाँ पे मार्क्स वाला आ रहा है, तो आपको जो है 500 है, 900, 700 है, कौन सा मार्क्स वाला आपने जो है यहाँ पे क्वालिफाई किया चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मंथ एंड ईयर पासिंग यहाँ से कैलेंडर में से चूज करनी है, तो आप जब भी जब मैट्रिक पास किए हैं उसका यहाँ पे मंथ ईयर यहाँ पे चूज कर लेनी है। उसके बाद रिजल्ट पास आएगा, रोल नंबर लिखनी है, और सर्टिफिकेट नंबर होता है मार्क्शीट का, सीरियल नंबर, उसको यहाँ पे लिखनी है। उसी कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 12वीं क्लास का डिटेल्स फिल कर लेनी है, बोर्ड का नाम सेम कंडीशन है। उसके बाद आपको स्नातक का डिटेल्स फिल करना है, यहाँ पे आपको डिग्री चूज करनी है कि आप BSc हैं, BTech हैं, BA, BSc या अदर इक्विवेलेंट साइंस डिग्री है, तो जो आपके पास है इसमें से क्या करेंगे उसको जो है चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का नाम चूज करने का ऑप्शन आएगा, इसमें से आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम जो है चूज करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, उसी कंडीशन में आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको जो है ओ लेवल जो है CCC होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद पूछा कि आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, आप जो है टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन है अगर 2 साल के लिए तो है तो यस करेंगे, तो नो करेंगे। आप जो है बी सर्टिफिकेट नेशनल यानी NCC अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
और जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फोटो कैसे अपलोड करनी, यहाँ पे टर्म कंडीशन दिया हुआ है, तो 11 KB से लेकर 30 KB के बीच आपका जो है फोटो होना चाहिए, हाल ही का खींचा हुआ फोटो होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान देनी है। और जो आप सिंपल फोटो लगाते हैं उसी तरह से आपको जो हाफ फोटो यहाँ पे लगानी है। अब यहाँ पे जो है JPG में ही आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो अपलोड होगा। जैसे मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, मैंने चूज पे क्लिक किया, इसको टिक किया, यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखा रहा है, तो आप जो दोबारा से चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको फोटो को अपलोड कर लेनी है, जो साधारण फोटो होता है, ना ही उस पर कुछ लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है ना। और हाल ही के 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए फोटो को। आपको यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे भी सिग्नेचर बोला गया है कि 5 से 10 KB के बीच सिग्नेचर होनी चाहिए, और जो यहाँ पे बोला गया है कि साफ सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, अब आपको सिग्नेचर को यहाँ पे जैसे आप सिग्नेचर करते हैं उसको टिक करेंगे यहाँ पे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है सब चीज अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको देखिए 10वीं क्लास का जो है मार्कशीट बोला गया है या सर्टिफिकेट बोला गया है, तो दोनों में से कोई अपलोड करेंगे। 12वीं क्लास का सेम कंडीशन है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे, उसमें ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको जो चूज फाइल करने का ऑप्शन आ रहा है, 50 से 600 KB के बीच आपके जो है फाइल होनी चाहिए, JPG या PDF में। आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट को चूज करेंगे, ओपन करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से अपलोड हो गया है, उसी तरह से सबको आपको अपलोड करनी है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे सब चीज अपलोड कर लिया है, करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। जैसे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है दिखा देगा प्रीव्यू। आपको क्या करना है, सब चीज को मिलानी है, वेरीफाई करनी है, सत्यापन करना है कि जो भी आपने जानकारी फिल किया सब चीज सही है कि नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे देखिए एडिट का सेक्शन बना हुआ है हर एक जगह पे, तो आप इसे एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद से नीचे आनी है। नीचे आने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए डिक्लेयर करने का ऑप्शन मिलेगा, सबको जो है आपको टिक कर लेनी है। सबको टिक करने के बाद से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, आपसे कंफर्म कराएगा, सबमिट करेंगे फिर से। अब यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी देना होगा, 400 रुपये एप्लीकेशन फी है यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए। अदर स्टेट वाले के लिए यहाँ पे 400 रुपये एप्लीकेशन फी, आप एक बार देख लीजिएगा एप्लीकेशन फी क्या लगेगा। आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करना है, जिसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे बोल रहा है कि वी विल बैक इतना ऑन द सर्वर, तो फ्रेंड्स आपको जो लास्ट स्टेप में पेमेंट करना है, यहाँ पे जो है कुछ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ देर बाद ट्राई करनी है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वी विल बैक, मतलब कुछ मेंटेनेंस है। वैसे आज 1 अप्रैल है, तो सभी बैंक का ऑडिट होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, आज से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये ऑडिट पे होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है मेंटेनेंस में दिखा रहा है। तो आप लास्ट में पेमेंट करिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट आउट करके सुरक्षित अपने पास रख लेनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा किस प्रकार से फॉर्म को फिल करनी है। यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डियर सेल्फिंग फॉरएवर।